Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum. Vacancy update channel mein khush aamdeed aur aaj ki is video mein main aapko bataunga Indus hospital mein jo nayi vacancies announce hui hain wo kaun-kaun si hain, kya tareeqa-e-kaar hai un par apply karne ka aur last date kya hai, sab kuch mukammal tafseel ke sath aaj ki is video mein aap janenge. Ji haan dosto, usse pehle आपको बताता चलूं कि अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों. और मैं साथ आपको एक और बात अहम बताता चलूं कि आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, मुकम्मल देखना है ताकि आपको मुकम्मल आप इसको समझ सके. दोस्तों चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं, देखते हैं कि कौन कौन सी वैकेंसीज आई हैं और क्या अप्लाई करने का तरीका कार है इंडस हॉस्पिटल जो कि मुजफ्फरगढ़ में है. दोस्तों इसका एक और नाम भी है, रजब तैयब अर्दुगान हॉस्पिटल जो कि मुजफ्फरगढ़ में है. इंडस हेल्थ नेटवर्क के थ्रू जो है ये काम कर रहा है आजकल. द इंडस हॉस्पिटल इज द पाकिस्तान फर्स्ट स्टेट ऑफ द ऑल्ट टर्शरी हेल्थ केयर center providing quality care free of cost. It invites excellence driven and vision oriented individual to become a part of its team in Recep Erdogan Hospital Muzaffargarh who will take this noble cause further. Dosto sabse pehla iske liye vacancy jo darkar hai wo consultant ke liye hai, FCPS or equivalent. मिनिमम 2 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों. और इसके साथ इंटरनल मेडिसिन के लिए जूनियर कंसल्टेंट ज़रूरत है इनको, FCPS और इक्विवेलेंट, फ्रेश और मिनिमम 1 year ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस. जी हाँ दोस्तों, इंटरनल मेडिसिन. इसके बाद दोस्तों एनेस्थीसिया एंड पेन मैनेजमेंट के लिए स्पेशलिस्ट, MCPS MPhil या डिप्लोमा हो या पोस्ट ग्रेजुएट के बराबर हो, सर्टिफिकेट आफ्टर 2 year ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम और मिनिमम 1 year ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए, रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए दोस्तों. इसके बाद दोस्तों जर्नल सर्जरी, ICU, ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, यूरोलॉजी, इसके लिए सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए जरूरत है दोस्तों कंप्लीटेड 2 year ट्रेनिंग फॉर MCPS और IMM, मिनिमम 2 year ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस. इसके बाद है दोस्तों ICU, यानी कि BSc होनी चाहिए या फिर सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा इन रेस्पिरेटरी थेरापी. जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 2 year एक्सपीरियंस इसके लिए दरकार है दोस्तों. नर्सिंग सर्विसेज, BSc इन नर्सिंग, हेड नर्स के लिए जरूरत है दोस्तों इनके, तो उसके लिए मिनिमम आपको कम से कम आपको 5 साल का तजर्बा जरूरी है आउट ऑफ 3 year इन मैनेजरल कैपेसिटी. जी हाँ दोस्तों, इसके बाद है असिस्टेंट हेड नर्स. असिस्टेंट हेड नर्स के लिए डिप्लोमा इन जर्निंग नर्सिंग, प्रेफरेबली BS नर्सिंग, तो इसके लिए भी 3 साल का तजर्बा दरकार है दोस्तों. इसके बाद है क्लिनिकल नर्स इंस्ट्रक्टर. इसके बाद क्वालिटी इंप्रूवमेंट एंड पेशेंट सेफ्टी, इसके लिए दोस्तों सीनियर ऑफिसर कोऑर्डिनेशन के लिए दरकार है दोस्तों. तो इसके बाद दोस्तों है BSc नर्सिंग या डी फार्मेसी, BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, प्रेफरेबली MBA इन क्वालिटी एश्योरेंस और हेल्थ केयर मैनेजमेंट. इसके लिए दोस्तों मिनिमम 3 years ऑफ रेलिवेंट एक्सपीरियंस जरूरत है आपको. तो बायोमेडिकल, इसके लिए सीनियर इंजीनियरिंग बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और मिनिमम 5 साल का तजर्बा होना चाहिए दोस्तों. प्लीज अप्लाई ऑनलाइन एट www.indushospital.org.pk. करंट वैकेंसीज दोस्तों, इस वेबसाइट पर आप चले जाएंगे तो इस वेबसाइट को विजिट करते वक्त आपको अप्लाई इसके ऊपर कर सकते हैं. और इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों, ये जहन में रखनी है आपने बात, इसकी जो लास्ट डेट है दोस्तों वो है 23 दिसंबर, यानी के 23 दिसंबर 2020. तो दोस्तों
ये थी आज की एक छोटी सी वीडियो, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।